ने ये राजभवन के समक्ष ये जगह आरक्षित है बोल के हम लोग बैठे हैं जिला मुख्यालय में, और माननीय राष्ट्रपति को हम लोग इस बात को अवगत कराएंगे कि किस प्रकार एक आदिवासी, एक मूलवासी का बेटा जो इस राज्य को चला रहा है, उसकी सरकार को अपदस्थ करने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया है, उसके खिलाफ इस लड़ाई का आगाज किया गया है और आज इसकी शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि अगर मैं गुनाहगार हूं तो आप हमें आकर के अरेस्ट कर लीजिए, तो वो क्यों नहीं चले जाते ईडी कार्यालय? वो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया को कानूनी तरह से देखा जा रहा है। राजभवन लड़ाई क्या लंबा चलेगा आप लोग का के खिलाफ? ये तो शुरुआत है, आगे लड़ाई बहुत लंबी है। राजभवन के समक्ष बैठे हैं तो कहीं एटम बम फोड़ दिया गया तो? किसके पास एटम बम है? फुलझड़ी चलाने वाला एटम बम चलाता है क्या? तटस्थ और निष्पक्ष होकर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ईडी में जो गिरफ्तारियां हुई थी, जैसे पूजा सिंघल जी की गिरफ्तारी हुई, मनरेगा घोटाले को लेकर भी उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई, जैसे पल्स हॉस्पिटल, वो भी भाजपा के कार्यकाल में बना हुआ हॉस्पिटल है, बाद में तो कोविड के का ट्रीटमेंट हुआ। देश भर में जो भी उनकी प्रॉपर्टी मिली वो भाजपा के समय की बनाई हुई प्रॉपर्टी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसके तार पिछली सरकार से जुड़े हुए हैं, प्रेम प्रकाश के भी तार पिछली सरकार से जुड़े हुए हैं, तो उसमें उस समय जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया, इन्हें क्लीन चीट दी, जो लोग इनके साथ मिलकर काम किए, ऐसे लोगों के यहाँ तो जांच नहीं हो रहा है। हम लोगों का ये कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसी निश्चित रूप से अपनी कार्रवाई कर सकती है, वो स्वतंत्र हैं, लेकिन उनको तटस्थ भाव से काम करना चाहिए, न कि चेहरा देखकर या पार्टी देखकर। पहले भी सीबीआई की रेड हो, कहीं ना कहीं टाइमिंग को देखिए आप किस समय में हो रहा है। अच्छा, कहीं भी कोई भी घटना होती है तो तुरंत मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की जाती है। अभी गुजरात में इतना बड़ा हादसा हुआ, विपक्ष की ये भलमनसाहत है कि उसने इसको लेकर राजनीति नहीं की, लेकिन उसमें किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, ना वहाँ ईडी जांच करने जा रही है कि इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ। जब वहाँ भाजपा की सरकार है तो एक बल्ब बनाने वाली कंपनी को कैसे ये लोग ब्रिज बनाने का काम दे दिए, और कैसे इतने 150-200 लोगों की मौत हुई, इसके लिए कोई सवाल नहीं उठा रही है ईडी। वहाँ ईडी की भी रेड नहीं हो रही है, किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच नहीं जा रही हो रही है, नहीं वहाँ इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो हम लोगों का यही कहना है विपक्ष का कि विपक्ष मतलब अपने राज्य में तो हम लोग पक्ष में हैं, सत्ता पक्ष में हैं, लेकिन केंद्र के हिसाब से हम लोग विपक्ष में हैं। तो विपक्ष का यही कहना है कि सरकारी जो केंद्रीय जांच एजेंसियाँ हैं वो पक्षपात ना करें, तटस्थ भाव से बराबर काम करें। झारखंड में भी ऐसे कई भ्रष्टाचारी नेता हैं जो भाजपा के हैं और जिनके खिलाफ जांच बैठी हुई है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई हो तो सबके साथ हो।